गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं निधि शर्मा आपकी हिंदी की अध्यापिका हूँ। बच्चे, आज हम व्याकरण का पार्ट 9 संज्ञा शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको बताऊँ संज्ञा क्या होता है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। आइए अब हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, कुर्सी, आगरा, हंसना आदि। बच्चे, यहाँ पर राम किसी व्यक्ति का नाम है, कुर्सी किसी वस्तु का नाम है, आगरा स्थान का नाम है और हंसना भाव। भाव मीन्स फीलिंग। यहाँ पर है संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं बच्चे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम इनके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहती हैं। नीचे चित्र देखिए। चित्र में पहला है रविंद्रनाथ टैगोर, गौतम बुद्ध और सरोजनी नायडू। बच्चे, ये विशेष व्यक्तियों के नाम है। ऐसे ही विशेष व्यक्ति, वस्तु या विशेष स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की पूरी जाति या समूह के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहती हैं। जैसे पुरुष, स्त्री, पुष्प, पर्वत, मोर, शेर आदि। बच्चे, पुष्प, जब हम फूल को देखते हैं तो हम कहते हैं यहाँ पर कितने फूल खिले हैं, तो फूल उसकी जाति है। लेकिन जब हम कहते हैं ये कमल का फूल है, ये गुलाब का फूल है, तो वो व्यक्तिवाचक बन जाता है। तो जब हम उसके नाम से नहीं बल्कि उसकी जाति से उसको पहचानते हैं तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। बच्चे, आगे है जातिवाचक के 2 भेद होती हैं। पहला है समुदायवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से समूह या समुदाय का बोध हो उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहती हैं। इन्हें समूहवाची संज्ञा भी कहा जाता है, जैसे कक्षा, भीड़, परिवार आदि। बच्चे, बहुत से बच्चे जहाँ बैठे होते हैं हम क्या कहते हैं कि ये कक्षा 6 के बच्चे बैठे हैं। लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, यहाँ पर लोगों की क्या लगी है, भीड़ लगी है। और जब एक घर में लोग इकट्ठे मिलकर रहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, परिवार। तो समूह में जो चीज़ें पाई जाती हैं उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, पदार्थ या धातु का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहती हैं। द्रव्य मीन्स जो बहती हो, जिनका नाप तोल कर सकें। जैसे पानी, पानी बहता है तो ये द्रव्य है। सोना, नाप तोल किया जा सकता है। फल, फल को भी हम नाप तोल करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहती हैं। आगे आ गया हमारा भाववाचक संज्ञा। भाव मीन्स, मैंने पहले भी बताया, फीलिंग्स, जब हम महसूस करती हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, भाव, दशा तथा अवस्था आदि का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहती हैं। जैसे खुशी, दुख, सहायता आदि। पहले चित्र में हम बच्चा खुश देख रही हैं, दूसरे चित्र में हम दुखी देख रहे हैं और तीसरे में हम देख रहे हैं कि एक दूसरे की वो लोग सहायता कर रहे हैं। तो इनको हम महसूस करती हैं, इन्हें भाववाचक संज्ञा कहती हैं। बच्चे, ये आपका गृह कार्य है। ये आपने अपनी कार्य पुस्तिका में 2 प्रश्न करने हैं। पहला है संज्ञा किसे कहती हैं, उदाहरण सहित लिखिए। और दूसरा है संज्ञा के कितने भेद हैं, उदाहरण सहित बताइए। बच्चे, ये कार्य पत्रिका है। ये आपकी बुक में भी दी हुई है, ग्रामर बुक में। और इसको आपने अपनी कार्य पुस्तिका में भी करना है। यहाँ पर आपको नीचे टोकरी में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, शब्द दिए हैं। इनको आपने अलग अलग करके लिखना है कि कौन सा व्यक्तिवाचक है, कौन सा जातिवाचक है और कौन सा भाववाचक है। आपने पहले टोकरी ड्रॉ करनी है, उसके बाद आपने ऐसे ही ये टेबल बनाना है और उनमें से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक शब्दों को अलग अलग करते हुए कॉपी पर लिखना है। धन्यवाद बच्चों।